हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड बेस्ड क्विज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे स्पोर्ट्स अवार्ड से, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब लोग प्लीज़ इसको पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे एक एक क्वेश्चंस को इसको ठीक से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी एग्जाम्स में ज़रूर से क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहला है, देखिए, हु वॉज द हेड ऑफ द सेलेक्शन कमेटी फॉर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 अनाउंस रिसेंटली। ठीक है, इनमें से सेलेक्शन कमेटी फॉर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 के हेड कौन थे जिन्होंने ये इस अवार्ड का अनाउंस किया था अभी हाल ही में? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस मुकुंदाकम शर्मा। ठीक है, जस्टिस मुकुंदाकम शर्मा जो हैं ये हेड ऑफ द सेलेक्शन कमेटी फॉर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 अनाउंस किया इन्होंने ही रिसेंटली में। ठीक है, क्या नाम है? जस्टिस मुकुंदाकम शर्मा। अगला है क्वेश्चन, अगला है, नेम द इंडियन रेसलर हु हैज़ वोन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन रिसेंटली अनाउंस नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2019। ठीक है, हमें उस रेसलर का नाम बताना है जिन्होंने अभी जीता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अभी में। ठीक है, ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 के थ्रू अनाउंस किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बजरंग पुनिया। ठीक है, बजरंग पुनिया ये भारतीय रेसलर हैं जिन्होंने जीता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ओके, अगला क्वेश्चन, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज़ वोन द अर्जुन अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंस नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2019। वह भारतीय क्रिकेटर कौन है जिन्होंने अभी अर्जुन अवार्ड हाल ही में जीता है? उनका नाम है रविंद्र जडेजा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, नेम द फॉर्मर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु हैज़ वॉन द द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी इन द रिसेंटली अनाउंस नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2019। अभी रिसेंटली में भारतीय बैडमिंटन प्लेयर कौन है जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है रेगुलर कैटेगरी पर? तो ये होंगे विमल कुमार। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, विमल कुमार को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, जो कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला है, नेम द इंडियन टेनिस प्लेयर हु हैज़ वोन द ध्यानचंद अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंस नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2019। ध्यानचंद अवार्ड रिसेंटली में किस टेनिस खिलाड़ी को, भारतीय टेनिस खिलाड़ी को दिया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नितिन किरांतने को दिया गया है ध्यानचंद अवार्ड रिसेंटली में, और ये अनाउंस किया गया है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 के थ्रू। अगला है कि नेम द क्रिकेट कोच हु हैज़ वोन द द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी इन द रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2019। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संजय भारद्वाज को, ये भारतीय क्रिकेट के कोच हैं ये, और इनको इस समय क्रिकेट के कोच बदल गए हैं, लेकिन जिस समय ये अवार्ड दिया गया था तो उस समय ये क्रिकेट कोच थे। ठीक है, और इनको दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखिए, ये भारतीय क्रिकेट टीम यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि वे कौन से क्रिकेट कोच हैं जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए। तो क्रिकेट कोच हैं संजय भारद्वाज, जिनको कि द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है लाइफ टाइम कैटेगरी। अगला है, गौरव सिंह गिल हैज़ वोन द अर्जुन अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंस नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2019। ही इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? यहाँ पे है गौरव सिंह गिल, जिनको दिया गया है अर्जुन अवार्ड अभी हाल ही में, ये किस खेल से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोटर स्पोर्ट्स। ये मोटर स्पोर्ट्स से संबंधित है गौरव सिंह गिल जी, जिनको अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिया गया है एज अनाउंस बाय द
नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2019. ओके, ही इज एसोसिएटेड विद द मोटर स्पोर्ट. अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेम द इंडियन वुमेन क्रिकेटर हु हैज वोन द अर्जुन अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंस नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2019. वह भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है जिनको अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, पूनम यादव. पूनम यादव ये भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिनको अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया. अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा, यहाँ पे ब्लैंक है, खालिस्तान हैज़ वोन द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इन द रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 इन द कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट. किससे इनमें से ये ऑप्शन जो दिया गया है, इन पांचों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में इनको दिया गया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रायला सीमा डेवलपमेंट ट्रस्ट. रायला सीमा डेवलपमेंट ट्रस्ट को ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है हाल ही में, जो कि ये स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट कैटेगरी की में आता है यह अवार्ड. स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग को वीडियो ये पसंद आ रहा होगा, और स्टूडेंट्स इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और अगर भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप्स ऑफ वीडियोज़. ठीक है, और इस आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके और वीडियोस को आप देख सकते हैं जिसमें आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए, और इस वीडियोस को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक कीजिए, अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँचे और सभी लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें. चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की लाल रेम सांगा हैज़ वोन द ध्यानचंद अवार्ड इन रिसेंटली अनाउंस नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2019. ही इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो वो लाल रेमन सांगा जो हैं, जिनको अभी ध्यानचंद अवार्ड रिसेंटली में दिया गया, तो वो इनमें से ये आर्किरी स्पोर्ट्स है, इसी से वो जुड़े हुए हैं. ठीक है, लाल रेम सांगा जो हैं ये आर्किरी जो ये स्पोर्ट्स है, इसी स्पोर्ट्स से ये एसोसिएटेड है, जिनको अभी हाल ही में ध्यानचंद अवार्ड दिया गया. अगला है, नेम द इंडियन पोलो स्टार हु हैज़ वोन द अर्जुन अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2019. वह भारतीय पोलो स्टार कौन है जिनको अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिया गया? इसका सही उत्तर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, सिमरन सिंह शेरगिल. सिमरन सिंह शेरगिल ये भारतीय पोलो स्टार हैं जिनको अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया. अगला है, नेम द एथलेटिक्स कोच हु हैज़ वोन द द्रोणाचार्य अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंस नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2019. तो वह एथलेटिक्स कोच कौन है जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? तो आंसर होगा मोहिंदर सिंह ढिल्लन, इनको अभी रिसेंटली द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया. अगला देखते हैं कि नेम द इंडियन फुटबॉलर हु हैज़ वोन द अर्जुन अवार्ड. कौन वो भारतीय फुटबॉलर हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है रिसेंट में? तो गुरप्रीत सिंह संधू को रिसेंटली में अर्जुन अवार्ड दिया गया है. अगला है कि रणबीर सिंह खोखार को जो है दिया गया द्रोणाचार्य अवार्ड अभी हाल ही में, तो वो इनमें से किस खेल से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं कबड्डी से. रणबीर सिंह खोखार ये कबड्डी खेल से जुड़े हैं जिनको हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया. अगला है, नेम द इंडियन पैरा एथलीट हु हैज़ वोन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रिसेंटली में. वह भारतीय पैरा एथलीट कौन है जिनको अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया? तो वो हैं दीपा मलिक. ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, जिनको अभी हाल ही में, ये पैरा एथलीट हैं, भारतीय पैरा एथलीट जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया. अगला है, मनोज कुमार हैज़ वोन द ध्यानचंद अवार्ड इन द रिसेंटली, और वो इनमें से किस स्पोर्ट से जुड़े हैं? तो मनोज कुमार जुड़े हैं रेसलिंग से, ये एक रेसलर हैं जिनको अभी ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया. अगला देखते हैं, ये देखिए ऑप्शन नंबर ई है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन,
इसको मिला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार रिसेंटली में, और ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ नर्चरिंग ऑफ बर्डिंग एंड यंग टैलेंट की कैटेगरी में है ये, और इसको मिला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2019 में गगन स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन। अगला है नेम द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु हैज़ वोन द अर्जुन अवार्ड रिसेंटली, तो ये हैं भामिदीपति साई प्रणीत, ठीक है, भामिदीपति साई प्रणीत को मिला है भारतीय बैडमिंटन प्लेयर, ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनको मिला है अर्जुन अवार्ड हाल ही में। अगला है मर्जबान पटेल को मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड, लाइफ टाइम कैटेगरी का है ये, और ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो होगा हॉकी, ये हॉकी से जुड़े हुए हैं मर्जबान पटेल, जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए। और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का कि नेम द इंडियन पैरा स्पोर्ट्स एथलीट हु हैज़ वोन द अर्जुन अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2019। आंसर होगा सुंदर सिंह गुर्जर को, ये भारतीय पैरा स्पोर्ट्स एथलीट खिलाड़ी हैं, जिनको अर्जुन अवार्ड अभी रिसेंटली में दिया गया है, ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 की तरफ से अनाउंस किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।